मानशा फ्रॉम मूनशाइन आर्ट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये लुक कैसे रिक्रिएट किया है मैंने। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है कंसीलर। उससे पहले मैं अपने फेस पे CTM कर चुकी थी और फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने इसे ब्लेंडर से इजीली ब्लेंड कर दिया है। देन मैंने एक ब्लू कलर की पेंसिल से अपने फेस पे लाइंस क्रिएट की हैं। उसके बाद इन लाइंस को जेम्स चार्ल्स आई शेडो पैलेट में जो ब्लू कलर है उस शेड की हेल्प से मैंने उस लाइंस को ब्लेंड किया है और एक स्मूथ लुक देने की कोशिश की है। जहाँ पे मैंने डार्कनेस मुझे डार्कनेस चाहिए थी वहाँ पे मैंने डार्क ब्लू का यूज़ किया है, और जहाँ पे मुझे फेस को थोड़ा लाइट रखना था वहाँ पे मैंने लाइट ब्लू या सिल्वर कलर का यूज़ किया है। और जो मैंने आई मेकअप किया है वो है कट क्रीज आई मेकअप। इसके अंदर भी मैंने ब्लू कलर की पेंसिल से थोड़ा सा डार्कनेस दिया है। थर्ड आई बनाने के लिए भी मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। देन जिस तरह से हम लोग आई मेकअप करते हैं नॉर्मली उसी तरह से किया है। इसका वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सिल्वर कलर से मैंने अपने फेस को हाइलाइटिंग दी है, और जो शिव शक्ति मेकअप में मैंने हाफ फेस शक्ति माता का किया है तो उस हाफ फेस पे मैंने यूज़ किया है मेकअप जो है माई ग्लैम लिपस्टिक, और जो सेम फाउंडेशन है हमने उसी का लिया है। आई मेकअप के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, 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 oh